गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। टुडे इज संडे, छुट्टी का दिन है। आज तारीख कौन सी छुट्टी? 9 नहीं 10 तारीख होगी यार। हाँ आज 9 तारीख। ऑगी क्या हो गया तुझे? दे रहे हैं नाश्ता, दे रहे हैं तेरे को। अरे बाप रे, तो ऑगी का अंडा छिल रहा है तो ऑगी एकदम बेताब है कि जल्दी से दे दो मेरे को। बस बाबा बस। हाँ कभी कभी उसे ऐसा करते हुए देख के अच्छा भी लगता है कि बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है कि दो मुझे मांग रहा है अब। पहले नहीं करता था ऐसे। खा ले अच्छे से खा ले। तो यार कल जो चूहे का आतंक था ना, आज भी वही है। रात में जो चूहेदानी लगाई थी, चूहे पकड़ने वाला सिस्टम हमने, वो उससे पकड़ में आया नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चूहा है और जो चूहेदानी है अपनी वो साइज में बहुत छोटी है। तो अब ऐसा करते हैं, रोटी भी नहीं खाया उसने। तो अब ऐसा करते हैं ना, एक आती है रैट ग्लू, आयुष ने भी मेरे को कल लगाई थी, वो चिपक जाएगा। हाँ आयुष कल भी कह रहा था, तो मैं आज जाऊंगा ना मार्केट तो मैं वो भी लेके आऊंगा। जिंदा चिपक जाएगा पता है, वो तो मैंने देखा है। तो मैं वो आज लेके आऊंगा, तो उससे तो डेफिनेटली हो जाएगा ना काम। दो ले आना, दो रख देंगे खाने वाली टेबल पर ऊपर करके। हाँ देखते हैं, दो ले आऊंगा, चलो कोई नहीं, बस काम होना चाहिए अपना इन शॉर्ट। तो अभी फिलहाल गाइज नीचे चलेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद मेरे को निकलना है बाइक लेकर के सपन भैया के यहाँ। देखते हैं जाता हूँ नहीं जाता हूँ, क्या करता हूँ। बारिश का दिन है, बड़ी मतलब जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली बड़ी बाइक लेके जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ, ये देखने वाली बात है। क्योंकि बारिश का दिन है, कब बारिश होने लग जाए, कब क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। और कीचड़ वीचड़ बहुत ज्यादा है, फिर बाइक हो जाएगी गंदी। अभी अपने को एक दो दिन बाद कहीं निकलना भी है बाइक से, तो देखते हैं यार, अभी जो भी है देखते हैं, अभी बताते हैं आप लोग को। तो गाइस नाश्ता करने के बाद मैं निकल आया हूँ अपनी बाइक लेकर के। एक्चुअली पहले तो प्लान ये था कि बड़ी बाइक से लेके चलेंगे, हिमालयन लेके निकलने का प्लान था पहले। फिर थोड़ा सा कीचड़ वीचड़ हो रहा था बारिश की वजह से, तो मैंने सोचा ऐसा है उसको अभी नहीं निकालते हैं, उसको अभी साफ सुथरी बनी रहने दो, रखी रहने दो। उसमें एक जो थोड़ी बहुत ट्यूनिंग करनी थी, जैसे कि उसके फॉग लैंप साफ करने थे, मैंने वो कर दिए। फॉग लैंप थोड़े एडजस्ट भी करने थे, वो भी कर दिए। और क्या था, एक दो काम और था। यहाँ से देखो शहर का व्यू, पता नहीं यहाँ से आप लोगों को कैमरे में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, मुझे ज़रूर दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ तो मैं ये कह रहा था, तो इसलिए अपन छोटी बाइक लेके निकले, क्योंकि कीचड़ पानी है, हिमालयन गंदी हो जाएगी। और अभी दो दिन बाद हिमालयन को जाना है, बहुत ही लंबे सफ़र पे भाई, लंबे सफ़र पे जाना है हिमालयन को, तो उसको थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं। हालांकि मैं सोच रहा हूँ उसमें वेंसडे को निकलेंगे अपन। अब यार इतनी बात हो रही है तो चलो बता ही देते हैं, मैं और शिल्पी एक रोड ट्रिप फिर से प्लान कर चुके हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा प्लान कर रहे हैं, अब मैं ये बोलूँगा प्लान कर चुके हैं। कहाँ के लिए प्लान हुई है वो सब आपको निकलेंगे जिस दिन तब बताऊँगा। तो अभी इतना जान लो कि रोड ट्रिप हो रही है गाइज, एंड वी विल लीव ऑन वेंसडे। आज है संडे, मतलब आज से तीसरे दिन सुबह निकल जाएंगे अर्ली मॉर्निंग। अरे दादा पीछे देख के एक बार थोड़ा सा अभी फिलहाल जा रहे हैं, अभी तो एक दो चीजें, कुछ सामान लेनी है, कुछ घर के सामान है, तो बस ऐसे ही है, थोड़े बहुत छोटे मोटे सामान है वही लेना है। और गौरव से भी मिल लूंगा, सिविल लाइन्स आया हूँ तो गौरव से भी मिल लूंगा। यार जो भी कहो बाबा, मौसम बहुत तगड़ा है। शिल्पी अभी यही कह रही थी कि काश ऐसा ही मौसम हम लोग को मिले। अगर ऐसा ही मौसम मिला ना तो सच बता रहा हूँ पूरी जर्नी सफल हो जाएगी, बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये जो इस साइड चल रहा है पूरा, दैट इज़ कंपनी गार्डन, मतलब ये पूरा कंपनी गार्डन का ही पार्ट है इतना, मतलब काफ़ी आगे से लेकर के पीछे तक, और भी बहुत बहुत बड़ा है यार कंपनी गार्डन तो। तो आई एम विद गौरव नाउ, और मैं उसकी बाइक चला रहा हूँ। तो इसकी भी बाइक की एक कहानी ये है कि मैं एक बार इसकी बाइक ऑलमोस्ट सिर्फ 1 से 2 महीने पुरानी थी, तब दिल्ली से लेकर के इलाहाबाद आया था ऑल अलोन, ऑल नाइट राइड करके, तो 12 घंटे लगे थे ऑलमोस्ट। और वो मेरा फर्स्ट टाइम था अलीगढ़ टू इलाहाबाद बाय रोड इसकी बाइक से। उसके पहले ना मैंने बुलेट कभी भी ऐसे राइड रूट के लिए नहीं चलाई थी, बस चलाई थी एज इन इस रेड लाइट से आगे रेड लाइट तक के लिए चलाई होगी तो कभी चलाई होगी, वरना नहीं चलाई होगी। वो मेरी पहली लंबी राइड थी, और दैट टू वाज ऑन अ बुलेट, जो कि मैंने लाइफ में एक तरीके से फर्स्ट टाइम चलाई थी। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं बालसन चौराहे, कुछ काम है उसको गौरव को, मेरा तो काम यार एक काम तो नहीं हो पाया और दूसरा काम हो गया है, बस यही है, बस इसके बाद निकलते हैं, फिर मैं भी अपने घर निकलता हूँ। मौसम अच्छा था तो ये वो, चलो छोटा सा ऐसे एक पैच चलाते हैं बुलेट का। तो मैंने कहा चलो आई विल राइड योर बुलेट, गौरव पीछे ही बैठा है अब।
inches later. Okay guys, तो गौरव का भी काम हो गया है एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टू सिविल लाइंस. क्या करेंगे और अपने काम ही क्या है, घूमना फिरना, एंजॉय करना, संडे का दिन मनाना, यही तो है अपना काम. अब तो यहाँ रॉन्ग साइड भी नहीं जा सकते, यहाँ से मुड़ना पड़ेगा. पानी की ड्रॉपलेट्स आ गई स्क्रीन पे, रुक जाओ ज़रा. हाँ अभी सही है. वाइट गाड़ियों को देखो कितनी गंदी हो जाती हैं बारिश के दिनों में. वो जो आप उधर नीले गेट वाली जगह देख रहे हैं, मैं इशारा नहीं करूंगा, तो देयर यू कैन सी अ स्मॉल स्वीट शॉप. मैं अगर नाम पढूं तो मिश्रा फोटो स्टेट एंड स्वीट हाउस. बारिश का मजा लेके वापस आ चुका हूँ. लंच कर लिया, उसके बाद नहा धो लिया. अब अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी अलमीरा की सेटिंग है वो कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे मेगा पैकिंग. जी हाँ, मेगा पैकिंग. उसको मैं मेगा पैकिंग इसलिए कहूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा एक हफ्ते से ज्यादा का ट्रिप है, तो उसके लिए तो मेगा पैकिंग ही कहेंगे. खैर जो भी है, आज का अपडेट ये भी रहा कि भाई पूरे दिन बारिश होती रही, थोड़ी 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 बारिश. हाँ और अभी भी बारिश हो रही है, पूरे दिन होती रही, अभी भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी. ओगू क्या कर रहा है इधर देख, मेरा बेटू. हाँ क्या हो गया, गुर्रा रहा है. और भाई कल वाले व्लॉग की ना एक बूंद एडिटिंग नहीं हुई है, तो अभी वो भी बैठ के ना अपन एडिटिंग करेंगे, थोड़ा सा ये समिट जाए तब ऐसा करेंगे ना शिल्पी, मेरे को इसके बाद ना बीच में थोड़ा ब्रेक लूंगा मैं एडिटिंग करने के लिए, ठीक है ना. एडिटिंग करने के बाद जब फ्री होंगे तब अपना पैकिंग वाला काम शुरू करेंगे, ठीक है. अभी तुम ये सेट वेट कर लो. तो गाइस जस्ट अभी ब्लॉग की एडिटिंग खत्म हुई, टाइम हो गया है 9:21. इसको लगाते हैं रेंडर पे और नीचे चल के देखते हैं डिनर में क्या बना है, क्योंकि डिनर टाइम हो गया है. कॉल भी आ गया कि भैया डिनर बन गया है, आ जाओ नीचे. भैया आज बनी है तहरी, सबसे प्यारी तहरी. तहरी मुझे है बहुत ही प्यारी, ये सबको पता है. और हमारे पास सैलेड है, पापड़ नहीं है हमारे पास, तो लो भैया पापड़ भी आ गया अपने पास. एवरीथिंग इज रेडी. सीरियल देखते हुए मम्मी खाना खा रही है, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा सकते ना, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, गाने वाने बज रहे हैं. हम लोग नहीं सिर्फ तुम. हाँ मतलब मैं और तुम दोनों ही. अबे हाँ मेरे को क्यों नहीं, मतलब तुम जा सकती हो लेकिन तुम नहीं जा रही हो क्योंकि तुम एक अच्छी बीवी हो, तुम पति के साथ बैठ के खाना खाती हो. ठीक है गाइस जल्दी से तहरी खाते हैं क्योंकि गरम गरम में धुआं उठ रहा है. यमी तहरी. बाय गॉड तहरी खा के जो पेट भर गया ना, एकदम टमी फुल कर दिया शिल्पी तुमने. कुछ नहीं निकल रहा है, आई एम फिट एंड फाइन. साइकिलिंग करता हूँ तुम्हें यार, इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ बताओ, इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ. डाइटिंग थोड़ा मुश्किल है लेकिन सब कुछ उसी से होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट. अगर किसी के वेट लॉस का होता है अगर कुछ भी, तो वो एक्सरसाइज नहीं होता, वर्कआउट नहीं होता, वो होता है क्या, डाइट. दिस इज द टिप ऑफ द डे. और यहाँ तक वीडियो को देखा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. 2 दिन बाद अपने को ट्रिप के लिए निकलना है, तो आई गेस कल हम उसकी पैकिंग करेंगे जोरों शोरों पे. ना मेरे जूते रेडी हुए हैं, ना मेरी जैकेट रेडी हुई है, ना मेरे जूते कौन सा करेगा? वही तो कह रहे हैं, ना जूते रेडी हुए हैं, ना जैकेट रेडी हुई है, कुछ भी रेडी नहीं हुआ, पैकिंग भी नहीं हुई है. जो भी है देखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो. बाय. तुमने पानी बोला बाय.